एक बार की बात है, एक जू था, उसका नाम था नेशनल जू। वहाँ अलग अलग वैरायटीज के जानवर थे, स्पेशली दूर दूर से लोग आते थे डोंकीज को देखने के लिए, क्योंकि वो वाले जो डोंकीज थे वो नॉर्मल डोंकीज वाले स्पीशीज नहीं थे, बहुत रेयर स्पीशीज थे। तो वहाँ एक डोंकी था जिसका नाम था गूफी। वो बहुत केयरिंग था और सबकी मदद करता था, पर उसको कोई थैंक यू नहीं बोलता था, पसंद नहीं करता था। और जो बाहर से लोग आते थे वो दूसरे डोंकी के साथ फोटो खिंचवाते थे, उसके साथ नहीं, और कोई उसको खाना भी नहीं खिलाता था। और बाकी की जो डोंकी थे वो वूफी को अपने गेम्स में नहीं लेते थे, वूफी को बहुत बुरा लगता था। तो इनका सू था, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था टीना, वो उसको बहुत पसंद करती थी और वह वूफी को खाना भी देती थी। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। वो अपने दोस्तों के साथ मजा नहीं करता था क्योंकि कोई उसको पसंद नहीं करता था, पर टीना के साथ वो बहुत मजे करता था। और अब उसको फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर के लोग उसको देखे या ना देखे, वो तो बस टीना के साथ खुश था। एक दिन न्यूज आई कि वो जू किसी ने खरीद लिया है और वह टीना को जू छोड़ के जाना होगा। यह सुन के टीना भगवान के पास जाती है और प्रेयर करती है कि उस डोंकी को कौन संभालेगा, वो तो मेरे बिना लोनली लोनली फील करेगा। और वूफी प्रे करता था कि वो सुंदर हो जाए बाकी डोंकीज की तरह। जब एक दिन वो जा रहे होते हैं, रात के 12 बजे होते हैं, तो रात के 12 बजे होते हैं वो वहाँ से जा रही होती है। वो जाने से पहले वूफी से मिलने जाती है। तो जब वो वूफी से मिलने जाती है और वूफी उसके पास जब जाती है, उसको एक टीना उसके देख के बहुत प्यारी स्माइल करती है। वूफी को लगता है कि ये कोई सपना है, तो वो वापस सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं कि वूफी इज मिसिंग, वूफी इज मिसिंग। तो वो अपने कोई दोस्त के पास जाता है और बोलता है, तुम देख नहीं सकते, मैं तो वूफी ही हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम तो इतने प्यारे डोंकी हो, तुम कहाँ से आए? वो बोलता है, हैं? उसके बाद वो भाग के जाता है और मिरर में देखते हैं, वो देखता है कि वो क्यूटेस्ट डोंकी इन द ज़ू बन चुका है। और अब लोग उसे दूर दूर से उसे देखने आते थे। वो लगता था कि सूफी मर चुका है और एक नया डोंकी ज़ू में आया।